देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। ब्रह्मा कुमारी पहुंचकर टीवी एक्ट्रेस आस्था चौधरी ने खुद को बताया भाग्यशाली। दरअसल सात फेरे, सलोनी का सफर और केसरी नंदन जैसे अनेक टीवी सीरियल्स में अपनी बेहतरीन कला बिखेरने वाली टीवी अभिनेत्री आस्था चौधरी ब्रह्मा कुमारी के मुख्यालय शांतिवन में व्यापार और उद्योग प्रभाग द्वारा आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस मेडिटेशन रिट्रीट में हिस्सा लेने आई थी, जहां उन्होंने ब्रह्मा कुमारी संस्थान के प्रमुख 100 वर्षीय राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी से हुई खास मुलाकात को लेकर काफी प्रसन्नता जाहिर की और संस्थान के पवित्र वातावरण को भी सराहा। सबसे पहले तो मैं खुद को बहुत भाग्यशाली और ब्लेस्ड मान रही हूँ कि मैं यहाँ आ पाई, इस पावन धरती पर आ पाई, और उससे भी बड़ी बात मैं दादी रतन मोहिनी जी को रूबरू कर पाई। आई एम श्योर आप सबको इस बात की अहमियत पता है, तो मेरे लिए आई थिंक इट्स वन ऑफ माय लकीएस्ट डे कि मैं उनको इतने करीब से आज मिल पाई हूँ, एंड आई एम स्टिल इमोशनल और खुद को गैदर करने की कोशिश कर रही हूँ। बिजनेसमैन और उद्योगपतियों के इस सम्मेलन में 5,000 लोग हिस्सा ले रहे हैं। व्यापार में सफलता, धन कमाने में प्रवृत्ति में अध्यात्म और राजयोग की भूमिका पर व्यापार और उद्योग प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके गीता, प्रभाग के अध्यक्ष बीके एमएल शर्मा, राष्ट्रीय संयोजक बीके हरीश समेत तमाम लोगों ने अपने विचार रखे। आइए सुनते हैं कि किसने क्या कहा। आत्मा और परमात्मा का सत्य ज्ञान है जो केवल परमात्मा ही दे सकते हैं, तो ऐसा वास्तविक योग, सहज राजयोग, जिसके आदि शिक्षक स्वयं परमात्मा है। यहाँ तो हमारे पास बाबा जो साकार में निमित्त होकर सारा पाठ बजाया, प्रैक्टिकल में बजाया, तो इसलिए अगर बाप को याद करते हो, ब्रह्मा बाबा को याद करते हो, बाप मानी और दादा मानी परमात्मा, दोनों को याद करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी आप, क्योंकि जीवन में प्रैक्टिकल लाइफ भी तो चाहिए ना। कभी व्यापार में नफा या नुकसान हो तो भी फर्क पड़ना नहीं चाहिए, कभी मान मिले, सम्मान मिले या कभी अपमान भी हो जावे तो भी आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और हर परिस्थिति में आपको अचल अडोल रहना है, कभी परचिंतन नहीं करना है, कभी परदर्शन नहीं करना है। और कहा गया, परमात्मा ने कहा कि परचिंतन और परदर्शन पतन की खान है। मुंबई विले पार्ले से आई बीके नम्रता ने व्यापार और उद्योग प्रभाग में सफलता के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण कितना जरूरी है, इस पर बखूबी प्रकाश डाला। बीके जयंती ने जापान में जलाई आध्यात्म किलो। ब्रह्मा कुमारी संस्था के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती ने जापान के अनेक स्थानों पर भ्रमण कर आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश से आलोकित किया, जिसके अंतर्गत टोक्यो में भारतीय दूतावास में विशेष इवेंट आयोजित किया गया, जिसमें बीके जयंती ने एम्बेसडर एमसीबी जॉर्ज ब्रह्मा कुमारी में जापान व टोक्यो के निदेशक बीके रजनी की उपस्थिति में संबोधित किया और विपरीत परिस्थितियों में मन को शांत व शक्तिशाली बनाने के टिप्स दिए। इसके साथ ही कोबे सेंटर के द्वारा सोविंग सेट्स ऑफ होप फॉर चेंज विषय पर टॉक और मेडिटेशन इवेंट आयोजित किया गया, जिसमें बीके जयंती, डैन ओशिता और वायलिस्ट अयाको ने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने पर चर्चा की। वहीं जापान के हिरोशिमा सेंटर पर बीके जयंती ने वर्तमान समय में कैसे जिए विषय पर आयोजित पब्लिक इवेंट में अपने विचार रखे और प्रोफेसर फ्यूकॉसन सेन द्वारा लिए गए इंटरव्यू में अध्यात्म को लेकर बातचीत की। ऐसे जापान के सुकुबा सिटी और कोबे सेंटर पर बीके जयंती ने आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा की और योशिनो में साकुरा मोटोबो मंदिर के मॉन्क रयोजिन टाटसुमी को परमात्मा के निराकार स्वरूप से अवगत कराते हुए माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। विज्ञान और अध्यात्म का एकीकरण, अनंत संभावनाओं का स्रोत विषय पर हैदराबाद के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बायो ई के एजीएम शंकर गंधाम, इसरो एनआरएससी के डिप्टी डायरेक्टर श्रीनिवास राव, तेलंगाना एकेडमी ऑफ साइंसेस के जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर सत्यनारायण, शांति सरोवर के निदेशक बीके कुलदीप और स्पार्क विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके श्रीकांत ने विषय पर खास अपने विचार रखे।
सुनते हैं विज्ञान और अध्यात्म के एकीकरण को लेकर वर्तमान समय प्रबुद्ध जनों की क्या राय रही। इसके साथ ही बीके अंजलि और स्पार्क विंग के मुख्यालय संयोजक बीके संजय समेत अनेक वक्ताओं ने भी आधुनिक युग में अध्यात्म की आवश्यकता पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को स्पष्ट किया और राजयोग का अभ्यास कराया। रोज हम मुरली सुनते हैं, नोट भी करते थोड़े, लेकिन वो डायरी कमरे में घर में जाके रखा, सारा दिन अपने व्यवसाय में बिजी रहे, तो कहा लिस्निंग रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग, Understanding is everything. अभी आप सुन रहे थे माउंट अबू से धार्मिक प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके रामनाथ भाई से, जो कि भुवनेश्वर के यूनिट आर्ट सेवा केंद्र पर आयोजित स्नेह मिलन कार्यक्रम में सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदनी, इंदिरा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके कल्पना समेत अनेक सदस्य मौजूद रहे। अंत में सभी ने संस्था के पूर्व महासचिव बीके निर्वैर भाई जी के प्रति परमात्मा को भोग लगाया और भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। बेंगलुरु के जेआरसी में कुमारियों की खास आध्यात्मिक उन्नति और आत्म जागरूकता के लिए विशेष रूप से ब्रह्मा कुमारी से राजकुमारी की सुंदर यात्रा विषय पर रिट्रीट का आयोजन किया गया, जिसमें मुंबई से आई बीके दीपा और हैदराबाद से आई बीके मनीषा ने कुमारी जीवन में आने वाली चुनौतियों को सहजता से पार कर आगे बढ़ने की सुंदर प्रेरणाएं दी। इसके साथ ही अपने अनुभव से उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए अभिप्रेरित किया। इस रिट्रीट में बीके पवित्रा और बीके गीता ने भी राज्यों के महत्व पर प्रकाश डाला। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के उपलक्ष्य में न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में ब्रह्मा कुमारी के सदस्यों ने राजयोग मेडिटेशन की कॉमेंट्री द्वारा सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह किया और सभी को शांति की अनुभूति कराई। इस मौके पर भारत के सिकंदराबाद से आए बीके मंजू, बीके माधवी, वॉशिंगटन डीसी से बीके डॉक्टर जेना और ग्रैमी विनर सनातन कौर समेत अनेक सदस्यों ने हिस्सा लिया। फील द पीस इनसाइड ऑफ यू, फील योर पीस, यू आर पीस, your religion is peace, your language is peaceful, your thoughts are peaceful. अंत में ओम की ध्वनि से टाइम स्क्वायर का पूरा वातावरण शक्तिशाली ऊर्जा से ओतप्रोत हो गया। आज के बुलेटिन में इतना ही, अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।